गेहूँ तोड़ना, गेहूँ तोड़ने कम से कम 15-20-25 दिन से पड़ा हुआ है। कहाँ के फिर दोस्त है, कहाँ मर गए? फोन किए कह रहे हैं 2-3 दिन बाद खबर आएगी, कोई खबर नहीं बोरी की। डेली फोन करते हैं कि आज खबर होगी, 2 खबर होगी, कुछ खबर नहीं मतलब मिल रहा। अच्छा, पानी बरसा, पूरा गेहूँ सब सड़ रहा, पड़े बोरी का बहाना करते हैं। बस बोरी का बहाना सीधे। तो क्या नुकसान हो गया है तुम्हारे यहाँ? नुकसान का गेहूँ पड़े सड़ रहा, सभी लोग देख रहे हैं गेहूँ पड़े सड़ रहा, और क्या नुकसान हो रहा है। नहीं हो रही क्या? गेहूँ 3000 क्विंटल डंप पड़ा है, इसकी उठान हो जाए तो इसके आगे फुटौल होगी। अच्छा, तो ये जो भीग रहा है किसानों का गेहूँ, ये इसका बंदोबस्त? अब हम बंदोबस्त काश्तकार अपना अपना खुद कर लेता। नहीं तो आपके जो तौल हुई है जितना 300 क्विंटल, कितना हुआ? 3760 क्विंटल। 3760, तो ये अभी नहीं गया क्या फतेहपुर? जहाँ 2980 क्विंटल गेहूँ डंप पड़ा है यहाँ पे। ये इसके बारिश की वजह से बाबू भीग गया पूरा गेहूँ। हाँ, पूरा गेहूँ। कहूँ कितना गेहूँ होगा? गेहूँ तो बहुत है, बहुत है, सब भीग गया है। हाँ।
क्रय केंद्रों के में जहाँ पे हमारे यहाँ गेहूँ स्टॉक में रखे हुए थे, सभी को पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था कि इसको ले जाके गोदामों में रखवा दें। गोदामों में अभी हमारे यहाँ लिमिटेड स्पेस था, तो मंडी में जहाँ शेड लगे हुए थे वहाँ पे इसको रख के तिरपाल की व्यवस्था की गई थी, तिरपाल के द्वारा इसको ढके जाने की। किंतु जहाँ जहाँ लॉस हुआ है उसका हम आकलन भी उसका भी करेंगे, और इसमें यदि देखेंगे सूखने लायक होगा तो सुखा के उसको पुनः जो हमारे भंडारण केंद्र है वहाँ पर भेजा जाएगा, और इसका भी आकलन करवा के जो इसमें नुकसान हुआ होगा किसान भाइयों का वो मंडी समेत पूरा गेहूँ काफ़ी मात्रा में गेहूँ सड़ गया है। अब कल की ही बारिश हुई है, इससे पहले बारिश तो हुई नहीं थी, तो मैं इसका आकलन करवाता हूँ, यदि सड़ा होगा तो वो भी